तो ये देखिए हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, और इसका कलर भी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके स्वाद को। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने दो बड़ी साइज़ का प्याज लिया है, एक बड़ी साइज़ का टमाटर, दो से तीन हरी मिर्च और 1.5 इंच के आसपास अदरक का टुकड़ा, और सारे को हम एक मिक्सी जार में पहले उसका पेस्ट बना लेंगे। तो इस रेसिपी को हम आज सोयाबीन की सब्जी को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, इस प्रकार से आप शायद नहीं बनाए होंगे इससे पहले। तो सारे को हमने डाल के इसमें इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। आप तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली इसका पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और उसमें हम डालेंगे एक कटोरी सोया चंक, जिसे सोयाबीन भी बोलते हैं। तो ये वेट में लगभग 100 ग्राम के आसपास है। तो इसे हम अच्छे से मिलाएंगे, और थोड़ी सी नमक हम इसमें डाल देंगे ताकि इसके अंदर जो है नमक अच्छे से सेपरेट हो सके। तो और इसे हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, केवल गर्म पानी में डाल के 1 से 2 मिनट तक इसमें हल्का बॉयल आने देंगे, बस ये फाइनली हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इसका हम पानी नहीं निकालेंगे। ये देखिए किस प्रकार से ये जूसी है, तो इसी प्रकार से हम रहने देंगे, इसका हम पानी नहीं निकालेंगे, क्योंकि पानी इसमें रहेगा तभी ये इसका जो फ्लेवर है जिस प्रकार से हम बना रहे हैं तो बिल्कुल जूसी लगेगा। इसका जो ग्रेवी भी बनेगी, और ग्रेवी भी अच्छे से सेपरेट हो सकेगी। तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, और बाकी उसके बाद हम सारे पेस्ट को डालेंगे जो हमने टमाटर प्याज मिर्च और अदरक का जो पेस्ट तैयार किया था। तो इसे हम अच्छे से लगभग 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे यहाँ पे पकाएंगे, ताकि इसका पानी जो है थोड़ा जल के कम हो जाए और ये प्याज कच्चापन निकल जाए भूनने के बाद। तो ये देखिए इसका पानी लगभग ख़त्म हो गया है जल के। तो अब हम इसी स्टेज पे सारे मसाले को हम ऐड करेंगे। मसाले में हमने फ्रेंड्स हल्दी, धनिया, सब्जी मसाला, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सारे मसाले को हमने 1-1 चम्मच डाले हैं लगभग। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो मसाले डालने के बाद हम इस प्रकार से इसे चला देंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसके छींटे पड़ेंगे पानी सूखने के बाद, मसाले में छींटे पड़ेंगे इसके, तो आप इसे चाहे तो ढक्कन से इसे कवर कर सकते हैं। तो इसे थोड़ी सी चला के, तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पर ढक्कन रख देंगे इसे, और ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है। तो ये बिल्कुल देखिए तेल अलग हो गया मसाले से, आपको देखने से भी पता चल गया होगा। तो इसी स्टेज पे हम थोड़ी सी नमक और डाल देंगे, क्योंकि हमने सोयाबीन में भी पहले नमक डाला था, तो ये ग्रेवी के लिए हमने नमक डाला है। तो अब थोड़ी सी हम पानी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि सोयाबीन को हम डालेंगे तो अच्छे से उसकी ग्रेवी बन के अच्छे से सोयाबीन में सेपरेट हो सके, तो ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है। तो इतना डालने के बाद ये थोड़ी सी ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गया है। तो अब हम इसी स्टेज पे हम सोयाबीन डालेंगे इसमें। तो सारे सोयाबीन को हम इस प्रकार से डाल देंगे, और डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे फ्रेंड्स। और मिलाने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बस, क्योंकि हमारा सोयाबीन ऑलरेडी पका हुआ है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सोयाबीन की सब्ज़ी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनके तैयार है। और इस प्रकार से आप बनाएं तो
आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा ये इसका टेस्ट है। थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च से इसे गार्निश कर दिया है, तो आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, ग्रेवी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं फ्रेंड देख के। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाइए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप भी इस तरीके की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।